मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लेट्स डू स्टार्ट। 22,500 के ऊपर फिलहाल निफ्टी मूव कर रहा है, सो आई होप सो कि शायद हमें ऑप्शन चेन में 22,500 पर पुट राइटिंग दिखाई देनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि शायद 22,500 को फिलहाल के नंबर्स जो हैं, अभी के जो नंबर्स हैं, वो एक सपोर्ट बनाना चाहते हैं और शायद आगे कुछ नंबर्स में चेंज आए। अगर आप लोग अच्छे से इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं सेकंड हाफ का ऑप्शन चेन जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, बट लेट्स सी आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से रहता है। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, फिलहाल नंबर्स क्या बोल रहे हैं। 22,500, 22,600 दो लेवल हैं। कल भी हमने बात की थी वनडे के चार्ट में भी कि 22,600 पर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और 22,500 पे देखते हैं मॉर्निंग में किस तरीके से ऑप्शन चेन में नंबर्स आते हैं। तो 22,500 पर अगर थोड़ा सा आप गौर करिएगा तो नंबर्स का लफड़ा है। क्या लफड़ा ये देखते हैं, 85,000 की कॉल राइटिंग हो रही है ऑप्शन चेन के चेंज इन वाई डाटा। 85,278 नंबर्स कॉल राइटिंग हो रही है और पुट राइटिंग देखें तो 90,000। मींस दोनों में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है, बहुत एक छोटा सा नंबर पुट राइटिंग की तरफ अभी ज्यादा है, बट कॉल राइटिंग के नंबर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी 85,000 के नंबर्स हैं। और कॉल राइटिंग के नंबर्स को इग्नोर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे 550 के नंबर्स, तो यहां पर भी कॉल राइटिंग के नंबर्स थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं। 600 की बात करें तो 600 तो ऑलरेडी एक अच्छा रेजिस्टेंस था, मॉर्निंग में आप देख चुके हैं एक बढ़िया रेजिस्टेंस 600 दिख चुका है, वहां से मार्केट ने एक फॉल भी लिया है। 650 ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं रेजिस्टेंस के नंबर बढ़ रहे हैं। बीच में 22,600 ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। 550 की बात करें तो 550 भी रेजिस्टेंस के नंबर दिख रहे हैं। 500 की बात करें तो बहुत हल्का सा नंबर सपोर्ट की तरफ दिख रहा है। 450 की बात कर लें तो यहाँ पर भी कॉल राइटिंग 16-17,000 के आसपास या 27,000, खास बड़ा नंबर सपोर्ट्स की तरफ फिलहाल नहीं है। अगर हम देखें थोड़ा सा बड़ा तो 22,400 की तरफ हम मूव कर सकते हैं कि भाई 22,400 पे ठीक ठाक थोड़ा सा नंबर है, वो भी 31,000 के आसपास है। तो फिलहाल अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले 22,600 पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन, के पास हमने ये रेजिस्टेंस जोन बना लिया। 550 पे ऑलरेडी एक छोटा रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि नंबर्स कॉल राइटिंग की तरफ थोड़े से ज्यादा हैं। दूसरा सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है फिलहाल 500 पर, बहुत हल्का सपोर्ट है, बहुत हल्का सा हम इसको मार्क करेंगे। ये लेवल येलो से मार्क कर रहा हूं मैं और दूसरा सपोर्ट 400 के आसपास, तो 450 के पास भी एक हम सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। नंबर्स थोड़े से हैं वहां पे भी, अब दरअसल ये है बात कि अभी फिलहाल तो हमने ये रेंज बनाया है, बट क्या सेकेंड हाफ में कोई नंबर्स में चेंज आते हैं। जैसे कल भी आपने मॉर्निंग में देखा कि हमें रेजिस्टेंस दिख रहे थे, बट फिर एक जगह मार्केट ने उस रेंज में पॉज लिया, उसके बाद ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ दिया और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट, जो मार्केट में रेजिस्टेंस दिख रहे थे वहां पे हमें सपोर्ट्स दिखने लगे और मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया, बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया। इस रेंज की अब हम बात कर रहे थे, अगर आपको ध्यान होगा यही रेंज हम अभी भी यहाँ भी कंटिन्यू कर लेते हैं, शायद हमें ये रेंज अगेन फिर से कोई हेल्प जरूर करे। अब उस रेंज का जो हाई पॉइंट था जिसका हमें कल ब्रेकआउट मिला था वही अब सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि कल वो हमारे लिए रेजिस्टेंस था। अगर आप ध्यान से देखो तो 22,500 के आसपास का लेवल ही था जो कल हमारे लिए रेजिस्टेंस था, जिसका ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, आज वही हमारे लिए सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा ही होता है जब हमें कोई रेजिस्टेंस होता है हम उसको ब्रेकआउट कर लेते हैं, फिर वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी फिलहाल मार्केट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट ज्यादा दिख रहे हैं, नंबर्स रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ ज्यादा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी को एक बार देख लें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत अच्छा फॉल ले चुका है मॉर्निंग से, ओपन होने के बाद 48,100 से लेके गिरता हुआ अभी 47,700-800 के आसपास 300 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुके हैं। RSI 60 के नीचे ऑलरेडी जा चुका है, तो 48,000 आई होप कि कॉल राइटिंग बहुत अच्छी 48,000 पे हो गई होगी। आज
बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो नंबर्स आपको बड़े दिखाई देने चाहिए, बहुत अच्छे नंबर्स। 4 लाख का नंबर दिख रहा है ऑलमोस्ट चेंज इन वाई में, 48,000 जहां पे पुट राइटिंग बिल्कुल खत्म है, निल है, तो दिस इज वेरी गुड रेजिस्टेंस। 48,000 को पार करना थोड़ा सा मुश्किल अभी फिलहाल के नंबर्स, अगर सेकंड हाफ पे चेंज होते बात अलग, बट फिलहाल 12 बजे तक, थोड़ा सा 11:30 बजे तक अभी फिलहाल 48,000 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। 47,900 अगेन अ गुड रेजिस्टेंस विद नंबर्स 2,22,000 का चेंज इन वाई, 2,15,000 47,800 पर भी है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कॉल राइटिंग में ही नंबर ज़्यादा है, हालांकि पुट राइटिंग में भी नंबर ठीक है बट डबल है ऑलमोस्ट कॉल राइटिंग में। 47,700 के आसपास नंबर्स जो है वो 1 लाख के आसपास चेंज इन वाई है, बट यहाँ पर भी कॉल राइटिंग 86,000 के आसपास पहुँच गई है, तो थोड़ा सा खतरा 47,700 पर भी हो सकता है। हो सकता है 5-10 मिनट में आपको 47,700 पर कॉल राइटिंग और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे, तो मार्केट शायद उससे नीचे भी जाने की कोशिश करे। तो आप ढूंढते हैं सपोर्ट की, सपोर्ट सर कहाँ दिखेंगे। 47,500 पर एक अच्छा नंबर दिख रहा है, ऑब्वियस बात है 48,000 अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहेगा तो 47,500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो सपोर्ट एरिया फिलहाल 47,500 से लेकर 600 के आसपास है बैंक निफ्टी के लिए। So let's draw some range. 48,000 a good resistance point. फिर अगेन 47,800 की बात करें तो 800 पर भी एक रेजिस्टेंस ही लगभग नजर आ रहा है। और 600 और 500 के बीच में कहीं एक सपोर्ट रेंज दिख रहा है। सो ये लेवल हो गए फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लेवल आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में मैंने दे दिए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेटर मूवमेंट्स एंड गुड रिजल्ट्स। और यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी फिलहाल थोड़ा सा मूव कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और हल्का कर देता हूँ। सो देखिएगा RSI भी 40-60 के बीच में भी चल रहा है निफ्टी का, तो निफ्टी ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट भी देने की कोशिश करने की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा, क्योंकि RSI हमारा 40 और 60 के बीच में है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी RSI हमारा 60 के नीचे जा चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है मार्केट आपको कुछ इस तरीके से बिहेवियर देने की कोशिश करे। जब इस तरीके से बिहेवियर देगा तो RSI आपका 60 के आसपास आएगा और फिर शायद हमें कुछ इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिले। सो थोड़ा सा वेट करें, नंबर्स को अच्छे तरीके से अपडेट होने दें, आई होप आपको एक बेटर रिजल्ट्स जरूर मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।